बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी और दिन है जुमे का, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि सेंट ऑफ पाकिस्तान में करारदाद मंजूर हो गई है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। अच्छा, इस पर हुआ ये कि जैसे ये करारदाद पेश हुई, मंजूर हुई, तो सेनेटर अफनानुल्लाह खान जो हैं उन्होंने फ़ौरन फ़ौज पर इल्ज़ाम लगा दिया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने जो है वो कहा, जो सेनेटर थे जब वो बात कर रहे थे तो उसके बाद सेनेटर अफनानुल्लाह ने बात की, तो उन्होंने जब एतराज़ किया तो आगे से सेनेटर अफनानुल्लाह साहब कहने लग गए कि तुम बूट पॉलिश मत करो, बड़े तुम बूट पॉलिश कर रहे हो। यानी आपको पता ही है कि बूट पॉलिश का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो फ़ौज को खुश कर रहे हैं। तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जो सेनेटर इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रहे हैं ये जो है वो फ़ौज के कहने पर कर रहे हैं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि वो इल्ज़ाम ये कैसे लगा रहे हैं जब नून लीग खुद इलेक्शन नहीं चाहती। और उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको कि नून लीग क्यों नहीं इलेक्शन चाहती, और शायद अफनानुल्लाह साहब को तो बेचारे को पता ही ना हो, क्योंकि इस वक्त तो नून लीग में आपको पता ही है कि 2-4 लोगों को ही पता है कि असल में चल क्या रहा है, बाकी तो किसी को पता ही नहीं है। अब आप देखना कि नून लीग के इस वक्त मसाइल क्या है और नून लीग के इस वक्त इशूज़ क्या हैं। नून लीग का सबसे बड़ा मसला ये है कि नून लीग के अंदर अपनी पार्टी के अंदर टिकटों के ऊपर इख्तलाफ है, और नून लीग इस वक्त इसलिए इलेक्शन को डिले करवाना चाहती है कि अभी तक तो वो टिकटों का फैसला नहीं कर सके। आपने देखा था कि जब कागजात नामजदगी जमा होने थे उस तारीख को भी नून लीग के कहने पर बढ़ाया गया कि जनाब ये तारीख बढ़ा दें। हालत ये है कि तलाल चौधरी का टिकट कन्फर्म नहीं है, हालत ये है कि शरीफ खानदान के अपने हल्के कन्फर्म नहीं है कि उन्होंने कहाँ से इलेक्शन लड़ने, उनको अपने लिए हल्के नहीं मिल रहे। हालत ये है कि अता तारड़ साहब का जो बताया गया कि आमिर मतीन साहब के प्रोग्राम में कि 6 से 7 हल्कों में उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए, कोई पता नहीं है कि उनके उनको कहाँ से टिकट मिलेगा। फिर नून लीग का मसला ये है कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत जब गई थी, अदम एतमाद हुआ था, पीडीआई के जो मुरर्रफ अरकान हैं उनसे जो वादे किए थे उनको इन्होंने सीटें देनी है, हर सूरत में देनी है, उनके साथ कमिटमेंट है शहबाज शरीफ की। इनका मसला यह है कि इन्होंने इस्तेकामे पाकिस्तान से जो कमिटमेंट की है वो इन्होंने पूरी करनी है। अच्छा, जहाँ तक इस्तेकामे पाकिस्तान की बात है, इस्तेकामे पाकिस्तान जो है उनका जो इन्होंने कहा जी मियां जवेद लतीफ़ वगैरह ने कि कोई सीट एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे, तो इस्तेकामे पाकिस्तान वालों ने कहा कि जनाब ये कौन होते हैं मियां जवेद लतीफ़ ये बात करने वाले, तो जाएं और ज़रा पूछें राना सनौला से, ख्वाजा साद रफीक से, अयाज सादिक से, जो कमेटी बनी हुई है वो कह दें कि हमारे साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है। तो नून लीग के अंदर लोगों को मियां जवेद लतीफ़ बेखबर है कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। मियां नवाज शरीफ 23 अक्टूबर को आए थे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, देखें 3 माह जो है वो होने वाले हैं, और चले 3 माह ना से 2.5 माह हो गए, 2.5 माह हो गए हैं, मियां नवाज शरीफ एक मरतबा भी किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं गए, एक मरतबा भी अवामी जलसे में नहीं गए। मियां नवाज शरीफ ने इस दौरान किसी एक भी टीवी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, मियां नवाज शरीफ का किसी एक भी मौके पर साफियों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, और फिर नून लीग ने अभी तक एक दिन के लिए भी इलेक्शन कंपेन नहीं चलाई, अभी तक वो एक दिन के लिए भी ग्राउंड के ऊपर नहीं आए, अभी तक उनका कोई पता नहीं है। और फिर आप एक और चीज़ देखें, मैं तो पहली बार पाकिस्तान की तारीख में देख रहा हूं कि जबरी गुमशुदगियाँ तो हमने सुनी है, लेकिन जबरी टिकट देना पहली बार देख रहा हूं मैं कि नून लीग ने याकूब एक उम्मीदवार हैं बलूचिस्तान से, उनको टिकट दे दिया और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने तो ना टिकट के लिए अप्लाई किया है ना मैंने टिकट मांगा है, मुझे कहाँ से आपने टिकट दे दिया है। नून लीग की हालत ये हो गई है कि जनाब इनके जो टिकट हैं वो ज़बरदस्ती ये ठोंस रहे दे रहे हैं, यानी अंदाज़ा लगाएं मतलब इससे बुरी सूरत हाल क्या होगी। तो नून लीग नहीं चाहती इलेक्शन अभी, और सेनेटर दिलावर साहब को चेक करें कि सेनेटर दिलावर साहब किसके वोटों से सेनेटर बने थे। फिर एक और बात है, नून लीग अभी तक आप देखें कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान फैसला नहीं हो रहा, कि नवाज शरीफ के अपने पसंदीदा चेते हैं चेले हैं मरीम नवाज साहबा, और नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ साहब के अपने चेले हैं वो नवाज शरीफ मरीम नवाज के कहने पे उनको टिकट देना चाहते हैं, शहबाज शरीफ किसी और को, बाकी सारी बातें छोड़ दें, अयाज सादिक और रोहेल असगर साहब उनके टिकट के ऊपर फटा पड़ा हुआ है कि किसको जो है वो शेख रोहेल असगर में से किसको हम टिकट दें, और शेख रोहेल असगर साहब का वो अभाई हल्का है, वो 50 साल से उनका हल्का है, उनके वालिद उसके बाद वो उनका 50 साल से वो हल्का है। तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि नून लीग इस वक्त सूरत हाल क्या है, आज के दिन तक टिकट के ऊपर वो फाइनल नहीं कर सके, और इतने उनके मसाइल हैं, इतने उनके इशूज़ हैं, अभी तक ये फैसला नहीं हो रहा कि मियां नवाज शरीफ उधर ऊपर वज़ीर आज़म होंगे तो नीचे मरियम नवाज़ वज़ीर आला होंगी, तो फिर हमजा और शहबाज शरीफ कहाँ जाएँगे, शहबाज शरीफ अगर होंगे पंजाब में तो मरियम नवाज़ को फिर ऐसा क्या दिया जाए। तो मसला ये है कि नून लीग जो है, अब ये बेचारे सेनेटर अफनानुल्लाह साहब को क्या पता है, बेचारे को बेखबर से लोग हैं, पार्टी की लीडरशिप तक एक्सेस नहीं है, इनको इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जाओ गालियां दो और अब फिर ये शुरू हो जाएंगे इदारों पे, इदारों के खिलाफ दोबारा ही शुरू हो जाएंगे, दोबारा इनका वो पुराना बयान। लेकिन इस बार इतना आसान नहीं होगा,
कि इस बार ये वो बयानी अपनाएं जो कुछ लोग मीडिया वाले भी कह रहे हैं ना जनाब के मियां नवाज शरीफ जो हैं वो क्या करेंगे कि जनाब दोबारा वोट को इज्जत होगा बयानी वो ये नहीं, इस बार मियां नवाज शरीफ के लिए ये नहीं है। जितनी वो कमज़ोर इस पोजीशन में है, जितने उनके ऊपर केसेस थे, जिस तरह से सारा कुछ, मियां नवाज शरीफ के लिए इतना आसान नहीं है इस बार वो सारा बयानियाँ जो है वो अपनाना। और देखें आज आप देखें कि आज जिस तरह से उन्होंने करारदाद पेश की और फिर करारदाद एक बार पेश नहीं हुई, तीन बार करारदादें जो है वो पेश हुई हैं और तीनों बार करारदाद जो है वो पास हुई है। जो सेनेटर दिलावर खान की करारदाद है तीनों बार पास हुई है, पहले एक बार हुई पास हुई, फिर उसके बाद जब मुर्तजा सोलंकी साहब आए दो बार फिर चेयरमैन सेनेट सादिक जनानी साहब ने पेश की, उस बार भी। अब मसला ये है कि नून लीग का आपको पता ही है कि नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती और उसकी बहुत सी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि ताहयात नाअहली वाला जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट से आप ये देख रहे हैं कि फैसला तो महफूज हो गया है, काजी फाइज इसा साहब हर सूरत में जो है वो मियां नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए और ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए पुरअज़म है, लेकिन वहीं पे कुछ जजेस के रिमार्क्स आपने सुने कि जनाब कानून साजी के जरिए आप आइन को कैसे बदल सकते हैं। और फिर बड़ा कैट और जो अदालती मुआविन बनाए गए उन्होंने भी आकर ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब आइन की किसी शिक की सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर देती है तो फिर आपको आइन ही तरमीम करनी पड़ती है, फिर आप कानून के जरिए नहीं कर सकते। फिर एक और बात है भाई, बात यह है कि काजी फाइज इसा साहब, अब ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सेनेट में 12 लोग थे तो ये कैसे करारदाद पास कर सकते हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ की ये ताहयात नाअहली खत्म करने वाली जो कानून साजी है, जरा चेक करें कितने अरकान उस वक्त मौजूद थे, 342 के अवान में कितने मौजूद थे भाई, 27 मेंबर्स के साथ कानून साजियां हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब पंजाब और केपीके में इलेक्शन का मौका था तो उस वक्त कौमी असम्बली में करारदाद इन्होंने पास कर दी कि सुप्रीम जो है वो फंड्स फराहम नहीं किए जाएंगे पंजाब और केपीके में इलेक्शन के लिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसकी ये कहकर वायलेशन की गई कि जनाब ये जो अपने इसका है कौमी असम्बली की करारदाद पास हो गई है, अब अगर हमने पैसे दिए तो ये तोहीने पार्लियामेंट होगी, तोहीने पार्लियामेंट का हम कानून बना रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पैसे ट्रांसफर करेगा उसको हथकड़ियां लगवाएंगे, उसको जेल भेजेंगे। मैं खुद एक कमेटी में मौजूद था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे ने बहुत सख्त गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा था जो ब्यूरोक्रेट पैसे फ्राम करेगा इलेक्शन के लिए हम उसको हथकड़ियां लगाएंगे, जेल डालेंगे, तुम्हारी औकात क्या है, जो बहुत सख्त उन्होंने गुफ्तगू की थी। जनाब उस वक्त करारदादें आपको बड़ी पसंद थी, वो करारदादें हलाल थी, अब करारदाद हराम है। काजी फाइजी साहब से मैं पूछता हूं कि जनाब उस आपको बड़ी पार्लियामेंट आपको सुप्रीम नजर आती है, कौमी असम्बली बड़ी सुप्रीम नजर आती है, सेनेट बड़ी सुप्रीम नजर आती है, आप कहते हैं जनाब ये पांच जज कैसे बैठ के फैसला कर सकते हैं कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी, पार्लियमान का इज्तमाई दानिश हमारी दानिश से बहुत बड़ी है। तो फिर ठीक है ना, सेनेट की दानिश बता दी उन्होंने कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं हो सकते। देखें हालात जो है वो सूरत हाल, अगर दो सूबों में सिक्योरिटी की बात हो रही है तो इसमें कोई शक नहीं है, दहशतगर्दी की सूरत हाल तो है। फिर इस वक्त हालात आप देख लें, जिस तरह के इलेक्शन इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जो काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह के इलेक्शन करवाना चाहते हैं, जिन आरओस के जरिए काजी फाइज ईसा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, भाई ये तो पाकिस्तान की तारीख के 32 फिर आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इसे इस्तेकाम थोड़ी आएगा। इलेक्शन होंगे दोबारा पीटीआई सड़कों पर होगी दोबारा, तो जो काजी फाइज ईसा साहब जिस तरह के इलेक्शन करवाने जा रहे हैं उससे तो पाकिस्तान के अंदर वो तबाही और बर्बादी आएगी कि अल्लाह ताला माफ़ करे। जो काजी साहब चाहते हैं जिस तरह के इलेक्शन करवाना, तो बात ये है कि काजी फाइज ईसा साहब का जो ग्रुप है इनके जजेस का, इन्होंने केपीके और पंजाब में इलेक्शन नहीं होने दिए थे और इश्तियाक खान जो बार के सदर हैं उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि इन्होंने उमर बंदयाल की पीठ में छुरा घोंपा था और इन्होंने पीठ में छुरा घोंप के और इन्होंने कहा था जनाब के और इन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए थे। तो आप उस वक्त भी तो करारदादों के ऊपर आप कह रहे थे ना, उस वक्त भी तो आप पार्लियामेंट और ये वो आपको बड़ी पार्लियामेंट सुप्रीम नजर आती थी, तो अब भी जो है वो पार्लियामेंट वो है अपना फिर सुप्रीम है तो फिर आप यहाँ भी माने, मतलब वो हलाल करारदादें थी, ये हराम करारदाद है। तो देखें अब ये पीडीएम जो है वो खासतौर पर मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन नहीं चाहते और इलेक्शन इसलिए इन्होंने ये सारा कुछ किया है, और वरना नून लीग अब तक इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना मियां नवाज शरीफ को कोई बयान आया है, ना मरियम नवाज का कोई बयान आया है, ना इसका कोई बयान आया है शहबाज शरीफ का, तीनों का नवाज शरीफ मरियम नवाज शहबाज शरीफ का कोई बयान नहीं आया, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो होगा क्या कहते हैं प्रेशर बढ़ेगा, अब शायद घोंगलों से मट्टी उतारने के लिए कोई बयान दे दें, लेकिन नून लीग इलेक्शन नहीं चाहती और बेचारे अफनानुल्लाह खान को पता ही नहीं है कि क्या मामलात हैं क्या हालात हैं, तो उन्होंने वहाँ खड़े होकर और फौज पे डाल दिया। और फिर उसने दुरुस्त कहा समीना मुमताज़ ने, सेनेटर ने, उसने कहा अच्छा, उसने कहा बूट पालशी हमें कहते हो,
खुद तुम बूट पॉलिश करते हो, फिर तुम गंद करते हो, फिर बूट पॉलिश करते हो। और उन्होंने कहा कि जब हम तुम्हारे साथ थे तब तो बूट ठीक थे, आज मैं बूटों से मसला हो गया। उन्होंने काफ़ी खरी खरी सुनाई है इसको अफनानुल्लाह खान को, जिस तरह की उसने ज़बान वहाँ पर इस्तेमाल की है। तो ये जनाब है सूरत हाल, और इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को मुमकिन नहीं है, और इसकी वजह यह है कि जिस तरह से करारदाद पास हुई है इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि चीज़ें किस तरह आगे जा रही हैं। और आज अभी मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का बयान चल रहा है सामने, करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। भाई ये जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बार है, ये वो ग्रुप है जो पाकिस्तान बार जिनके पास थी, उस वक्त पाकिस्तान बार पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई थी, पीडीएम की पार्लियामेंट के साथ, उस वक्त आप पार्लियामेंट के साथ थे, पीडीएम की पार्लियामेंट के साथ, तो आज भी तो फिर आप सेनेट के साथ खड़े हो ना। तो ये इस तरह से नहीं होगा कि मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू। तो देखें इन हालात में अगर जिस तरह के काजी फैसल आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं वो इलेक्शन हुए तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़तरनाक तरफ जाएंगी। और काजी साहब जो है आप क्या करते हैं देखना है काजी साहब, लेकिन इतना काजी साहब के लिए भी आसान नहीं है जिस तरह से काजी फाइज जैसा ग्रुप ने जो किरदार अदा किया था पंजाब और केपीके के इलेक्शन में, अब ये इनको वही भुगतना पड़ेगा खुद भी, जो इन्होंने बोया है वो इनको काटना पड़ेगा। इतनी चीज़ें आसान इनके लिए नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह करीम हम सबका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।